हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड को जो 12 अंक का नंबर होता है, आप उसको वर्चुअल आईडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड की सारी जानकारी को स्ट्रांग रखने के लिए यूआईडीआई ने वर्चुअल आईडी लेके आया है, जो बहुत ही कमाल का है। इसमें आपको मिलेंगे 16 अंक। आपको आधार कार्ड में 12 अंक मिलते थे, लेकिन इसमें आपको 16 अंक मिलेंगे, जो बहुत ही स्ट्रांग होंगे। आपको पता होगा कि हाल ही में आधार कार्ड का डाटा लीक हुआ था, जिससे बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए यूआईडीआई ने अपना वर्चुअल आईडी लेके आया है। पहले दोस्तों क्या होता था कि अगर आप कहीं पे सिम कार्ड लेने जाते थे तो आपको अपना 12 अंक का आधार नंबर देना पड़ता था, लेकिन अब आपको अपनी वर्चुअल आईडी देना पड़ेगा, जो 16 नंबर का होता है। अगर आप इसको देंगे तो आपका कोई भी डाटा लीक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसका प्रयोग सभी जगह कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नहीं है तो आप उसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ए वाला बटन दबा के हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ये लाल वाला बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में दबा दीजिए इस घंटी को, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा उसको सबसे पहले आप देख पाएं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपने पीसी पे। अब आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है आधार कार्ड, उसके बाद में आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों, जो सबसे पहली वाली वेबसाइट आ रही है, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको एक नया पेज मिल जाएगा। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, वर्चुअल आईडी जनरेट, आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर एक नया पेज मिल जाएगा, तो आपको आधार नंबर में अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा, एंटर सिक्योरिटी कोड, तो आपको एक कैप्चा डाल देना है, ठीक है, 8301, तो आपको ये डाल देना है। तो उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सेंड ओटीपी, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, एक कोड जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, एंटर ओटीपी, तो आपको इसमें अपना ओटीपी डाल देना है। फिर आपको उसके नीचे दो ऑप्शन मिल जाएगा, जनरेट वीआईडी, रिट्राई वीआईडी। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको कर देना है जनरेट वीआईडी। अगर आप पहली बार कर चुके हैं, आप दूसरी बार करना चाहते हैं, तो आपको कर देना है रिट्राई वीआईडी। तो चलिए मैं फटाफट ये फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। तो मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ गया है, और यहाँ से कर देता हूँ जनरेट वीआईडी, ठीक है। अब आपको हल्का सा नीचे जाना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हो गया है, और जो ये वीआईडी नंबर है आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल पे कुछ इस तरह से आएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।